Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and this is Rashmi. So guys, in today's video I'm gonna share this beautiful subtle sa Eid makeup look जो कि मैंने बहुत ही affordable products के साथ में create किया है. मैंने आज ज़्यादातर products Blue Heaven से use किए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा affordable हैं. So ये वाला makeup tutorial ना beginners friendly भी होने वाला है. So अगर आप beginner हो ना तो आपको भी काफ़ी अच्छी खासी help मिल जाएगी, and बहुत ही simple तरीके से मैंने ये वाला tutorial आपके साथ share किया है. Guys, video start करने से पहले make sure कि आपने मेरे channel को subscribe कर लिया है, and नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को जरूर हिट कर लीजिए जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं. गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर देना. सो गाइस, विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सो डे टाइम में आप जब भी मेकअप करें ऑलवेज अप्लाई अ गुड सनस्क्रीन. सो इससे पहले मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लिया था. एंड गाइस, सनस्क्रीन यूज़ करना बहुत ज़रूरी है अगर आप डे टाइम में मेकअप कर रहे हैं, क्योंकि मेकअप प्रोडक्ट्स में जो SPF होता है वो उतना अच्छा वर्क नहीं करता. देन मैं यूज़ कर रही हूँ अपना स्विस ब्यूटी का इल्यूमिनेटिंग प्राइमर, और ये ना थोड़ा सा ड्यूई फिनिश दे देता है, एंड आई लव ड्यूई फिनिशिंग वाले प्राइमर्स. एंड इसमें ना थोड़ा सा इल्यूमिनेटिंग पार्टिकल्स हैं जो थोड़ा सा आपको एक शाइन भी दे देते हैं. दैट्स व्हाई आई लव दिस प्राइमर. उसके बाद में मैं यूज़ कर रही हूँ NYB का ये ऑरेंज कलर करेक्टिंग प्राइमर, क्योंकि ना मुझे मतलब अलग से फिर कलर करेक्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ ना एक स्टेप वो बढ़ जाता है. और इसको मैं ना प्राइमर की तरह ही फिर पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी, एंड मेरी स्किन ना इवन टोन हो जाती है. सो मुझे ये थोड़ा सा ईजी लगता है, अलग से कलर करेक्टिंग करो उससे बेटर लगता है मुझे ये. एंड अभी आप इसका रिजल्ट खुद ही देख सकते हैं कि अप्लाई करने के बाद मेरी स्किन पूरा ही फेस मेरा इवन टोन लग रहा है, और इसलिए मुझे ये वाला प्राइमर पसंद है. सो मैं इसी को अप्लाई कर लेती हूँ अलग से ना करके. सो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है. एंड इसके बाद में मैं आज यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का हाइपर मैट फाउंडेशन, और ये लिक्विड फाउंडेशन है इन दी शेड वनीला, जो कि बहुत लाइट है मेरे स्किन टोन से. एंड ये पिंक अंडरटोन में है जबकि मैं येलो अंडरटोन में हूँ, बट मुझे ये रिसीव इसी शेड में हुआ है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था. सो मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ. एंड गाइज, आज की वीडियो में मैं ज़्यादातर प्रोडक्ट्स ब्लू हेवन के ही यूज़ करने वाली हूँ. एक दो प्रोडक्ट्स या जो प्रोडक्ट्स मेरे पास ब्लू हेवन के नहीं है वो मैं दूसरे ब्रांड के यूज़ करूँगी, एंड उसके अलावा मैं सारे प्रोडक्ट्स ब्लू हेवन के ही यूज़ करूँगी. सो गाइज, ये हाइपर मैट फाउंडेशन है, एंड या ब्लेंडिंग हो जाती है बट उतना ईजिली नहीं हो पाती है जैसे ड्यूई फिनिश जो फाउंडेशन होते हैं उनकी ब्लेंडिंग एकदम मक्खन की तरह होती है, वो इसकी नहीं है. थोड़ा सा टाइम लगता है ब्लेंडिंग में, पैचेस दिखते हैं तो उसको आपको ब्लेंड करने में थोड़ा टाइम लगता है. ये बहुत ज़्यादा मैट है फाउंडेशन, बट कवरेज ठीक है इसकी, मीडियम कवरेज है, क्योंकि मुझे ना अपने जो डार्क सर्कल्स हैं एंड अपने आईलिड्स हैं वो थोड़ा सा ठीक लग रहे थे अप्लाई करने के बाद में. मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत कवरेज दे देता है, तो मीडियम कवरेज है इस फाउंडेशन की. तो आप ट्राई कर सकते हो अगर आप ऑयली स्किन वाले हो. मेरी स्किन अभी ऑयली से नॉर्मल हो चुकी है तो मुझे अभी थोड़ा सा ड्यूई फिनिश वाले फाउंडेशन पसंद है. उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन की ऑल इन वन मेकअप स्टिक इन दी शेड वनीला. तो ये भी फेयर स्किन टोन के लिए, मतलब वेरी फेयर स्किन टोन के लिए है. तो इसी को मैं एज अ कंसीलर यूज़ कर रही हूँ. मैं गाइस ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे फाउंडेशन से बेटर ये स्टिक लगी ब्लेंडिंग में भी, एंड इसकी जो कंसिस्टेंसी है, मतलब स्टिक है ऑब्वियसली लेकिन ये इजीली ब्लेंड हो जाती है. एंड इसके शेड में ना थोड़ा सा येलो टोन था तो मुझे ये थोड़ा ज़्यादा बेटर लगी अपने स्किन टोन के हिसाब से. अदरवाइज़ आप फाउंडेशन भी ट्राई कर सकते हो. फाउंडेशन अच्छा है अगर आपकी ऑयली स्किन है, तो ड्राई स्किन वाले फाउंडेशन बिल्कुल ट्राई ना करें ये तो. हाँ, लेकिन एक चीज़ मैंने इस फाउंडेशन में नोट की कि अप्लाई करने के बाद में ये बाद में ना केक ही नहीं हुआ था, पैच ही नहीं हो रहा था ब्लेंड होने के बाद में. हालांकि ये हाइपर मैट फाउंडेशन है और ये मेकअप स्टिक है, लेकिन इन दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट बाद में केक ही नहीं हुआ था, पैच ही नहीं हुआ था. तो ये चीज़ मुझे फाउंडेशन की अच्छी लगी. इट मीन्स थोड़ा सा हाइड्रेटिंग है बट मैट है तो क्या ही कर सकते हैं, ठीक है. तो ऑयली स्किन वाले इसको ट्राई करें, ड्राई स्किन वाले ट्राई ना करें. तो इसको स्टिक को मैं एज अ कंसीलर अपने जहाँ जहाँ डार्क एरिया है वहाँ पर अप्लाई कर लूँगी. एंड उसके बाद ले रही हूँ ब्लू हेवन का ऑयल कंट्रोल कॉम्पैक्ट पाउडर. सो गाइस, इसमें SPF 25 मिल जाता है और फाउंडेशन में भी आपको SPF मिल जाता है, बट स्टिल आपको मेकअप से पहले सनस्क्रीन यूज़ करना ज़रूरी है.
तो पाउडर से, ये कॉम्पैक्ट पाउडर है, ये भी शेड वनीला ही है, तो मैं इससे अपने पूरे फेस को सेट कर लूँगी। एंड सबसे पहले आपको पता है मैं हमेशा अंडर आइज़ एंड अपनी आईलिड्स को सेट करती हूँ, क्योंकि वो सबसे जल्दी क्रीज होते हैं। तो अच्छे से सेट करने के बाद, समर्स है तो सेट करना तो बनता है, अदरवाइज स्वेट आएगा तो मेकअप मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का ये ब्राउ परफेक्ट आईब्रो इन्हेंसर। सो इसमें एक तरफ आपको स्पूली मिल जाती है एंड दूसरी तरफ आपको प्रोडक्ट मिल जाता है, एंड इसका जो शेड है वो है हनी ब्राउन। तो ये थोड़ा सा मुझे ठीक लगा कि चलो ब्राउन शेड में आया तो मैं इसको एटलीस्ट यूज़ कर सकती हूँ। तो इसको मैं अपने आईब्रोज में फिल करूँगी। बट गाइस, ये भी ना उतना क्रीमी नहीं था जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। लाइक मैंने उससे पहले जो यूज़ करे हैं आईब्रो पेंसिल्स, तो वो बहुत क्रीमी यूज़ किए हैं, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ब्लू हेवन ने भी मतलब बहुत अच्छा इस बार वो किया होगा इम्प्रूवमेंट। बट ये उतना क्रीमी नहीं है, हल्का सा ड्राई ही है, तो ठीक है, काम चल गया था। उसके बाद मैंने स्पूली से उसको सेट कर लिया वापस से। एंड दोनों आईब्रोज करने के बाद मैं स्विस ब्यूटी की आई शेडो पैलेट ले रही हूँ, और उससे मैं ये लाइट ब्राउन शेड लेके सबसे पहले आउटर वी एंड अपना क्रीज एरिया में इसको ब्लेंड करूँगी एज अ ट्रांजिशन शेड। तो इसको ना बहुत ही सॉफ्ट हैंड से करना होता है। अगर आपको ब्लेंडिंग अच्छी चाहिए तो आपको बहुत ही सॉफ्ट हैंड से करना होगा। अगर आप थोड़ा सा प्रेशर लगाओगे तो आपकी ब्लेंडिंग उतनी अच्छी नहीं होगी एंड पैचेस दिखेंगे आपको। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी आई मेकअप कर रहे हो तो आई शेडोज़ को अगर आप ब्लेंड कर रहे हो तो बहुत ही सॉफ्ट हैंड से करें। जितना आप कम प्रेशर लगाओगे उतना अच्छे से ब्लेंड होगा। देन मैं मोव शेड ले रही हूँ एंड मोव शेड को भी मैं आउटर वी में प्लेस करते हुए अपने क्रीज में ब्लेंड कर रही हूँ। आप ना कलर्स को धीमे धीमे एक दूसरे के साथ बिल्ड करते जाएंगे ना, तो वो बहुत अच्छा ग्रेडियंट इफेक्ट आपको देंगे। उसके बाद में मैं ये डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ एंड स्मॉल फ्लफी ब्रश की हेल्प से इसको आउटर वी पे प्लेस करते हुए इसको भी अपनी सिर्फ और सिर्फ क्रीज में ब्लेंड करूंगी, थोड़ा सा डेप्थ देने के लिए। ठीक है, इसको मैं क्रीज के ऊपर ब्लेंड नहीं करूंगी, सिर्फ क्रीज में ब्लेंड करूंगी जिससे कि थोड़ा सा डेप्थ मिले। तो इसको भी करने के बाद आप ना कलर्स को ऐसे ही एक असेंडिंग ऑर्डर में आप ना कलर्स को अप्लाई कर सकते, पहले लाइट फिर डार्क ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद में मैं ले रही हूँ ब्लू हेवन का ये इंटेंस काजल प्लस आईलाइनर। तो उसमें एक तरफ तो ये फेल्ट टिप आईलाइनर है एंड दूसरी तरफ आपको काजल मिल जाता है। सो मुझे मतलब मैं काफ़ी इंप्रेस हुई थी इस प्रोडक्ट से। बट जब मैंने इसको अप्लाई किया तो इसका आईलाइनर बहुत ड्राई है, अच्छे से चल ही नहीं रहा था, स्मूथ नहीं था, आई शेडो के ऊपर काम नहीं कर रहा। हो सकता है बिना आई शेडो के आपके बेयर लैश लिड पे ये अच्छा काम करे, बट आई शेडो के ऊपर काम नहीं कर रहा था। अच्छे अच्छे लाइनर्स काम नहीं करते आई शेडो के ऊपर, क्योंकि पाउडर होता है। तो मैंने इसको काफ़ी देर तक ट्राई किया, बहुत देर तक मैं इसको ट्राई करती रही, बट मुझे नहीं कुछ रिजल्ट मिल पा रहा था, मैं नहीं कर पा रही थी। एंड उसके बाद में फिर मैंने अपना मेबलिन का आईलाइनर लिया एंड उसी से मैंने अपना लाइनर ड्रॉ किया एंड मेबलिन ने बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट दिया। इवन आई शेडो के ऊपर भी बहुत अच्छे से स्मूथली मेरा आईलाइनर लग गया था। तो थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हुई थी इस प्रोडक्ट से। इवन मैंने काजल भी ट्राई किया था आईलाइनर की तरह, जैसे मैं पहले भी करती रहती हूँ, लेकिन उतना वर्क नहीं किया था, काफ़ी ड्राई लगा मुझे काजल, तो वो लाइनर की तरह ड्रॉ ही नहीं हो पा रहा था। इसलिए मुझे मेबलिन के आईलाइनर का सहारा लेना पड़ा। एंड या अच्छे से मैंने दोनों अपने दोनों आईज़ पे विंग आईलाइनर क्रिएट किया एंड काजल ने मुझे लिटरली रुला लिया था, मेरी आईज़ में पानी आ गया था, इतना ड्राई है काजल, कलर पिगमेंटेशन तो आ ही नहीं रहा था एंड मेरी आँखों से पानी ज़रूर आ गया था। तो बस मैंने घिसा है थोड़ा सा, और घिसना ही पड़ा, कलर आ ही नहीं रहा था उसका, आँखों में पानी आ गया। उसके बाद मैंने एक ब्रश से लेके उसको थोड़ा सा ब्लेंड किया कि कुछ तो रिज़ल्ट हो, वो थोड़ा सा ड्राई ड्राई ना लगे। तो उसके बाद में मैंने अपना वेट एंड वाइल्ड का ये मीगा ग्लो हाइलाइटर लिया एंड इसी से मैंने ना सॉफ्ट कट क्रीज किया। लाइक पहले जैसे कट क्रीज करना होता है तो हम कंसीलर से करते हैं, बट मुझे थोड़ा सा सॉफ्ट चाहिए था तो मुझे लगा कंसीलर की नीड नहीं है, तो मैंने हाइलाइटर से ही ना एकदम सॉफ्ट कट क्रीज किया एंड उसका इफेक्ट, ओ माई गॉड, मुझे बहुत अच्छा लगा, ग्रेडियंट इफेक्ट आया। प्रॉपर कट क्रीज नहीं था, सॉफ्ट कट क्रीज है तो एकदम ग्रेडियंट इफेक्ट दे रहा था। एंड उसके बाद मैंने थोड़ा सा ना अपनी क्रीज को ब्लेंड भी किया, तो क्रीज को ब्लेंड करने के बाद में जो एजेस हैं वो भी सॉफ्टन हो जाते हैं। तो उसके बाद जो इफेक्ट आया है वो आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा सा। एंड हाइलाइटर मैंने अपने आईज़ के इनर कॉर्नर्स में भी अप्लाई किया एंड अपने ब्राउ बोन पर भी अप्लाई किया, तो
साथ के साथ मैंने ये वाला काम कर लिया, इसी सेम ब्रश से करना था तो मैंने कहा चलो ये वाला काम भी ख़त्म करते हैं। तो अपने ब्राउज बोन को भी हाईलाइट कर लेते हैं, इससे ना थोड़े से ब्राउज आपके लिफ्टेड लगते हैं, दैट्स वाई मुझे ये स्टेप पसंद है। उसके बाद ले रही हूँ मैं ब्लू हेवन का ये एक्सट्रीम लेंथ मस्कारा, देखते हैं कितनी लेंथ देता है। अप्लाई करने में ठीक लग रहा था मुझे, मतलब बुरा नहीं था, ठीक था, बट जैसे था कि एक्सट्रीम लेंथ मस्कारा है तो मुझे उतना ज़्यादा लेंथ दिखी नहीं, बट मैंने सोचा चलो ठीक है एक कोट और ट्राई करते हैं। मैंने एक कोट और ट्राई किया एंड उसके बाद में ठीक है ओके रिजल्ट था, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ही बेटर, मतलब मेबलिन के मस्कारास को टक्कर नहीं देता है तो ठीक है, मतलब ओके है ठीक है, तो थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ा ही आपके लैशेज में, मतलब ठीक है। उसके बाद मैं शिवाना कलर्स की ये 3-in-1 पैलेट ले रही हूँ फॉर कॉन्टोरिंग माय फेस। तो मैं इसको बहुत लाइट कॉन्टोर, मतलब आप कह सकते हो ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ बहुत ही लाइटली, मैं बहुत ज़्यादा डार्क नहीं कर रही हूँ, मेकअप बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है तो मैं कॉन्टोरिंग भी बहुत लाइट ही कर रही हूँ। सो अच्छे से कॉन्टोर करने के बाद, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं ना जो आप को डिसअपॉइंट करते हैं, बट उसके बाद कुछ प्रोडक्ट्स आपको ऐसे भी हो जाते हैं पूरे फुल मेकअप में कि जो आपको ना उस डिसअपॉइंट से थोड़ा छुटकारा दिला देते हैं, आपके मेकअप को संभाल लेते हैं और थोड़ा आपको खुशी भी देते हैं। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स वो हैं जो थोड़ा सा मेरा डिसअपॉइंटमेंट कम किया उन्होंने और मेरे मेकअप को थोड़ा संभाल लिया, वरना मुझे लग रहा था आज पता नहीं मेकअप का क्या ही होने वाला है, बट फाइनली संभल गया क्योंकि फाउंडेशन शेड गलत, कंसीलर शेड गलत, कॉम्पैक्ट शेड गलत और आईब्रो पेंसिल भी ड्राई, काजल ने काम नहीं किया, लाइनर ने काम नहीं किया, बट ये कुछ प्रोडक्ट्स ने मेरा संभाल लिया। स्पेशली ये ब्लश, मेबलिन का फिट मी ब्लश यूज़ कर रही हूँ दी शेड 30 एंड ये ब्लश से मतलब मुझे थोड़ी सी खुशी हुई जब मैंने इस ब्लश को अप्लाई किया, मेकअप में थोड़ी सी जान आ गई थी एंड आई वॉज़ हैप्पी। उसके बाद मैंने अपना सेम हाइलाइटर अप्लाई किया अपने चीक बोन्स पे एंड उसके बाद तो मतलब जान क्या सब कुछ ही आ गया मेकअप में तो हाइलाइटर से तो मतलब इतनी जान आ जाती है मेकअप में, तो हाइलाइटर मेरा फेवरेट पार्ट है मेकअप का। तो हाइलाइटर अप्लाई करने के बाद में फिर मुझे बारी आती है लिपस्टिक अप्लाई करने की। तो ब्लू हेवन की ये इंटेंस मैट लिपस्टिक है इन दी शेड रेड, जो कि मुझे रेड शेड में रिसीव हुई और ड्राई है काफ़ी गाइस, मैट है बट लगाने के टाइम पे भी ये ड्राई थी तो उतना इजी नहीं था इसको लगाना, तो बट ठीक है मैंने थोड़ी मशक्क़त करके थोड़ी मेहनत करके इसको लगा लिया। बट लगाने के बाद क्योंकि रेड शेड था तो मेरे मेकअप और मेरे आउटफिट के साथ ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था, फिर मैंने इसको हटा के अपना इनसाइड कॉस्मेटिक की लिपस्टिक लेके वो लगाई, वो परफेक्टली मैच कर रही थी। हाँ ब्लू हेवन की लिपस्टिक आप ट्राई कर सकते हो अगर आपको मैट लिपस्टिक्स पसंद हैं, तो सबसे अच्छी बात उसमें फ्रेग्रेंस नहीं थी जो कि बहुत अच्छी बात थी मेरे जैसे लोगों के लिए, तो ये गाइज काफ़ी कॉम्प्लीमेंट कर रही थी मेरे मेकअप को। सो दिस इज़ द फाइनल लुक गाइज, आई होप कि आपको आज का ट्यूटोरियल काफ़ी अच्छा लगा होगा एंड आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहा होगा। एंड गाइज अगर ये लुक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर लीजिए ऐसे ही ट्यूटोरियल्स पाने के लिए आगे। गाइज इसके साथ साथ मैं फैशन वीडियोज़ भी करती हूँ, हॉल वीडियोज़ भी करती हूँ, स्किन केयर एंड मेकअप तो है ही एंड प्रोडक्ट रिव्यू भी करती हूँ। सो अगर आप इंटरेस्टेड होना देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो गाइज मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।